क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया यह निबंध है। तो इसका हम पाठ का सारांश और लेखक परिचय के बारे में बताएंगे, तो मेरे चैनल पर बने रहें। तो देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए। तो आइए पाठ का सारांश देखिए, क्या निराश हुआ जाए। शीर्षक पाठ हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखित निबंध है। इसमें लेखक ने जीवन में घटित घटनाओं के माध्यम से यह संदेश दिया है कि यदि निराशाजनक परिस्थितियां भी उत्पन्न हो जाएं तो भी हमें निराश नहीं होनी चाहिए। पाठ में कई उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें प्रमुख रूप से एक टिकट बाबू का पैसा वापस करने का उदाहरण प्रस्तुत है। कंडक्टर द्वारा नई बस लाना एवं दूध की व्यवस्था बच्चे के लिए करना दूसरा ज्वलंत उदाहरण है, जबकि लोग ड्राइवर के साथ अभद्रता करने पर उतारू हो गए। अतः निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपने सद्विवेक और अच्छाई पर भरोसा कर इन परिस्थितियों को बदलने का अथाशक्ति प्रयास करना चाहिए। ये रहा पाठ परिचय, अब देखेंगे लेखक परिचय। लेखक परिचय, क्या निराश हुआ जाए, हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित ज्ञानवर्धक निबंध है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। उन्होंने संस्कृत विद्यालय काशी से शास्त्री तथा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। हिरी साहित्य के प्रख्यात इतिहासकार, आलोचक और साहित्य चिंतकों के रूप में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रख्यात हैं। उन्होंने अपनी सरल और प्रांजल भाषा में हिंदी गद्य को एक नई ऊंचाई दी। साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण पुरस्कारों से इन्हें नवाजा गया। इनकी प्रमुख रचनाओं में निबंध, अशोक के फूल, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, उपन्यास में आ जाएगा वान भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनरनवा, अनाम दास का पोथा, इतिहास में आ जाएगा हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, आलोचना में आ जाएगा कबीर, सूर साहित्य आदि प्रमुख रचना रखती है। ये सब हुआ हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं। अब देखेंगे विद्यार्थियों अगले वीडियो में इसके जितने भी प्रश्न हैं सही प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे, और फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए अंदाज के साथ। तब तक हमारे चैनल बने रहे, धन्यवाद।